जॉब्स 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 सब कोई चाहते हैं कि उन्हें बेटर जॉब मिले जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे प्लेसमेंट के चाहते हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड है वो चाहते हैं हायर सैलरी का उनको जॉब मिले सोशल वर्क से आप जुड़े हुए तो डेफिनेटली आप सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो चलिए यहीं पर मैं आपको और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ हम बात करते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब वैकेंसी की जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो राज, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई है जी एक टीचिंग पोजीशन है सो so बिना किसी देर के लेट्स मूव द नोटिफिकेशन एंड एंड वी विल अंडरस्टैंड ईच एवरी क्राइटेरिया रिलेटेड विद दिस जॉब वैकेंसी टोटल 15 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट हमें यहाँ पे शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है जो ट्वेंटी ऑफ फरवरी ट्वेंटी को आया था जो कि हिंदी में दिया गया है शैक्षणिक पद हेतु भर्ती विज्ञापन और इस विज्ञापन के तहत आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सी यू आर ए जे डॉट ए सी डॉट इन यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो प्रोफेसर में नाइनटीनस प्रोफेसर में ट्वेंटी सिक्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में फिफ्टीन वेरियस पोस्ट आया इन डिफरेंट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स एंड द क्वालिफिकेशन एंड ऑल आर लाइक ऑल क्राइटेरिया लाइक मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिजर्वेशन ओवर एज एंड द सर्विस कंडीशन एंड ऑल अबाउट दैलरी एंड एवरी थिंग विल बी एज पर गवर्नमेंट एंड यू जी सी नॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉम्स के अकॉर्डिंग होगा सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप सभी को पता है यहाँ पर दिया गया है कि जो तीनों पोजिशन है लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तीनों की जो सैलरी है प्रोफेसर के लिए पे लेवल फोर्टीन फॉलो होता है एसोसिएट के लिए पे लेवल थर्टीन ए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल टेन इसके अकॉर्डिंग पे स्केल का जॉब मिलता है साथ ही अगर अप्लीकेशन फी की बात करें फॉर द एस्पेरेंट्स ऑफ यू आर ई डब्ल्यू एस ओ कैटेगरी दे हैव टू पे अप्प्लीकेशन फी ऑफ द फिफ्टीन हंड्रेड एंड फॉर एस टी एस सी एंड पी डब्ल्यू कैंडिडेट देयर विल बी नो अप्प्लीकेशन फी बात करें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म तो वो होगी एलेवेंथ ऑफ अप्रैल 2022 अप टू 23:59 पीएम यानी कि रात के, के बारह बजे तक 11 अप्रैल से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो इसको है हार्ड कॉपी भी अप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करना है दिए गए रजिस्ट्रार का यहाँ पे एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है और ऊपर उस पर इनवल्प के ऊपर लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ़ दिस ये मेंशन करके आपको अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ ही आपको हार्ड कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म वो सब आपको भेज देना है अठारह अप्रैल २०२२ से शाम पाँच बजे से पहले रजिस्ट्रार्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पे पहुंच जाना चाहिए यहाँ पे फुल एड्रेस दिया गया आप देख सकते हैं तो चलिए हम बात करते हैं सोशल वर्क की वी ऑल आर सोशल वर्क फैटर्निटी तो देखते हैं सोशल वर्क फैटर्निटी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है तो यहाँ आपको एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की चर्चा की गई है Online applications are invited from the eligible Indian citizen and the overseas citizen of the India in the prescribed format through the link available on the website for the position of professor, associate professor as well as assistant professor in the various academic department of the university, Central University of Rajasthan.

एक पोजीशन है जो आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा एक पोजीशन है सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जो कि एससी कैटेगरी के लिए है और ये ब्लैक ब्लैक लॉग एक तरह का वैकेंसी है और इसमें यहाँ पर प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है इन एस डी एस सी कैटेगरी आप देख सकते हैं दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्यारह अप्रैल है लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म भरने का हम लोग चले अब देखते हैं क्राइटेरिया को देखते हैं यहाँ पे एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है फॉर द डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर प्रोफेसर के लिए दिया गया है सोशल वर्क में एक पोस्ट है सो आ, प्रोफेसर पोस्ट के लिए और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है एंड eminent scholar having a phd degree in the concerned allied or relevant discipline and the published work of high quality ac actively engaged in research with the evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer reviewed or the ugc listed journal and the total research score uh, must be 120 as per the ugc regulation of 2018. यानी कि ऐसे जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अगर पीएचडी कर रखी है साथ ही उनके पास मिनिमम दस रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है किसी पीयर रिव्यू जर्नल में और उनका जो टोटल स्कोर है रिसर्च स्कोर है वो वन ट्वेंटी होना चाहिए देन वो अप्लीकेबल होंगे फॉर दिस पोस्ट साथ ही ए मिनिमम और टेन ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर और रिसर्च एक्सपीरियंस एट द इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद द एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुल गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है और उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है टें दस ईयर का टेन इयर्स का दे कैन अप्लाई और एनी अदर कैंडिडेट विच हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल विथ दे हैव ऑल्सो गाइडेड द पी एच डी स्कॉलर एज ए गाइड तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आईदर दूसरा कंडीशन है एंड आउट स्टैंडिंग प्रोफेशनल्स हैविंग पी एच डी डिग्री इन द रिलीवेंट और एलाइड और अप्लाइड डिसिप्लिन फ्राम एनी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन and industry who had made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by the documentary evidence provided he, he has 10 years of experience यानी कि ऐसे कर्निटर जिनका मालिया बहुत अच्छा outstanding कहीं पे contribution रहा है इस इस knowledge में में से उन्होंने कुछ ऐसा बहुत अच्छा research कर रखा है बहुत सारे book लिख चुके हैं या फिर उस तरह का कोई भी professional हो जिनके पास PhD degree हो दस साल का experience हो और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे स्कोर की चर्चा नहीं की गई है जो रिसर्च स्कोर होता है जो 120 चाहिए प्रोफेसर के लिए तो ये बात हुई सोशल वर्क की बाकी एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में अदर अदर डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है यहाँ पे सोशल वर्क डिपार्टमेंट में नहीं है सिर्फ प्रोफेसर के लिए थी तो जो भी कैंडिडेट जो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है इसे ज़रूर अप्लाई करें बाकी अप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड लग रहा है फॉर यू आर ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट एंड फॉर एस टी एस सी एंड पी डब्ल्यू कैंडिडेट एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है पहले से उनके लिए यहाँ पे नील है उनके लिए कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं लेगा ये साथ ही यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटी का जो राइट्स है उसके बारे में चर्चा की गई है वी विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दिस इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट मोर देन यू कैन लॉग इन टू दिस वेबसाइट दिस इज दाइट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जहां पे आपको डिटेल एडवरटाइजमेंट मिल जाएगा वहीं पर आपको एक लिंक मिलेगा अपलाई नाउ का इसपे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट सुन ऑनलाइन लाइव क्वेश्चन एंसर सेशन जहाँ पे आप सभी क्वेश्चन पूछेंगे और हम सभी मिलकर आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे तो वो लाइव होगा आप आ सकते हैं जुड़ सकते हैं आई एम प्लानिंग फॉर देट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस डेट और टाइम को लाइव सेशन आपके लिए बेहतर होगा संडे या सैटरडे या फिर कोई भी डे बताइए और टाइम बताइए जिस वक्त मोस्ट ऑफ द पीपल मे कनेक्ट विथ अस वी ऑल आर एवेलेबल ऑन दैट टाइम एंड वी आर कम्फर्टेबल विद दैट टाइम सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन सा टाइम और डे रखा जाए वीकली एक बार हम आएंगे लाइव आएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे या फिर अगर कोई दूसरा सब्सक्राइबर उस चीज़ में बेहतर है उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज है तो वो भी अपना अवेलेबल फीडबैक दे सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत जल्द मैं ले आ रही हूँ आप सभी के लिए स्टेट ट्यून बने रहिए मेरे साथ थैंक यू गाइज